मेरे कुछ फ्रेंड्स जरबेरा को एक सीजनल प्लांट समझते हैं, क्योंकि उनका प्लांट एक बार एक सीज़न में फ्लावरिंग करने के बाद मर जाता है, जबकि जरबेरा जो है एक पेरेनियल प्लांट है, यानी कि इसको हम एक बार अपने गार्डन में लाते हैं तो फिर जब इसकी हम थोड़ी अच्छे से देखभाल करते हैं तो ये कई सालों तक हमारे पास रहता है और भरपूर फ्लावरिंग देता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जरबेरा की हम किस तरह से केयर करें ताकि ये हमारे पास सालों साल बना रहे, हमें भरपूर फूल दे, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी हम किस तरह से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। ये है जरबेरे का प्लांट, आप देख सकते हैं इसकी हाइट कम होती है और इसका फैलाव जो है आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा होता है। ये देखिए मेरे पास ये दूसरे पॉट में भी है, देखिए कितना थिक हो गया है और इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं, ये देखिए। और इसके बीच में एक क्राउन होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसी क्राउन के बीच में से जो है एक लंबा सा स्टॉक निकलता है, ये आप देख रहे हैं। कम से कम ये 1 से 1.5 फीट और कभी कभी तो 2 फीट लंबा भी होता है और ऊपर जाके जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल निकलता है। और सबसे बढ़िया बात इस प्लांट की ये है, इन फूलों की ये है कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि एक बार अगर ये खिल गए तो फिर ये 3 से 4 हफ्ते तक तो हमेशा प्लांट में तरोताज़ा रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, इसीलिए जो है इनको कट प्लांट्स में भी, जो कट फ्लावर अरेंजमेंट होता है उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। सबसे पहला केयर टिप तो ये है कि आप अपने जरबेरा के प्लांट को जब नर्सरी से लेकर आएँ तो बड़े पॉट में लगाएँ, लगभग 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और जो पॉट का जो माउथ होगा वो काफ़ी चौड़ा होना चाहिए, ये देखिए कितना चौड़ा है ना, नीचे से नैरो है लेकिन ऊपर से काफ़ी चौड़ा है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये प्लांट बहुत जल्दी मल्टीपल होता है, तो इसमें जो है अब ये देखिए ज़रा कितने सारे प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं, है ना। तो इनको, नए प्लांट्स को निकलने के लिए अगर यहाँ पे स्पेस होगा तो ईज़िली वो ग्रो कर पाएंगे। और सेकेंड बात ये है कि प्लांट को बहुत जल्दी जल्दी, इसको हमें रिपॉटिंग या चेंज नहीं करना चाहिए पॉट, क्योंकि इससे जो है इनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो इनको प्लांट, इनको पॉट बाउंड ही रहने देना चाहिए। जरबेरा को लगाने के लिए आप वेल ड्रेन सॉइल लें, जिसका कॉम्पोजिशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि इसको वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर पानी इकट्ठा हो गया तो इसकी रूट रॉटिंग हो जाएगी और प्लांट ख़राब भी हो सकता है। और अगर साथ में मिट्टी के साथ थोड़ा सा आप 1-2 मुट्ठी बोन मील डालेंगे तो और भी फ्लावरिंग को बूस्टिंग मिलती है, और साथ ही आप उसमें नीम खली भी थोड़ा सा ज़रूर डालें ताकि फंगस वगैरह से प्रोटेक्शन हो जाए। जरबेरा वैसे तो सर्दियों का पौधा है, गर्मियों में भी, जैसे कि अभी बहुत गर्मी हो रही है, फिर भी मेरे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन सर्दियों में तो इनमें बाहर आ जाती है, तो ऐसे में पानी का जो है हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर वाटरिंग तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और हमें पानी तभी डालना चाहिए जब मिट्टी सूख जाए। लगभग अभी तो मैंने इसमें पानी डाल के रखा है, लेकिन मिट्टी जो है आधे इंच तक अगर सूख जाए तभी हमें पानी डालना चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसका हमें लोकेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अगर गर्मियों में हम इनको बचा के रखना चाहें तो इनको हम सवेरे की, जैसे कि मॉर्निंग की सॉफ्ट धूप होती है तो वो सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की इनमें पड़ना चाहिए, उसके बाद आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रख दें या शेडी जगह पर रख दें, क्योंकि इनको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो इनके पत्ते जल जाएंगे और मुरझा जाएंगे। लेकिन सर्दियों में आप इनको फुल सनलाइट दे सकते हैं, ऐसे में जो है आप इनको धूप में रख दीजिए, इनमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। लेकिन आपके एरिया में जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इनको बचाना पड़ेगा, खास करके एक्सट्रीम सर्दी में जब पाला पड़ता है या टेम्परेचर -डिग्री चला जाता है, तब इसको उठा के आप शेडी जगह पे रखिए या फिर अपने जहाँ पे शेल्टर है वहाँ रखिए या पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाला वगैरह पड़ने से ये मर जाते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पानी डालने के लिए हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बताना भूल गई कि जरबेरा के प्लांट में कभी भी पानी ऊपर से, पत्तों के ऊपर से ना डालें, बल्कि मिट्टी के अंदर डायरेक्ट डालें, क्योंकि अगर हम पत्तों में डालेंगे तो वो क्राउन के अंदर भी जाएगा
और अगर क्राउन के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे रॉटिंग होने शुरू हो जाएगी, फंगस लग सकता है और इसके पत्ते बहुत नाजुक होते हैं, तो ऐसे में जो है प्लांट्स का ख़त्म होने का खतरा हो जाता है। तो इसलिए जो है पानी आप वैसे डालें कि पत्तों के ऊपर ना जाए बल्कि यहाँ पर आए, है ना। और आप ये देख सकते हैं कि इसके पत्ते काफ़ी नीचे मिट्टी तक ये टच करते हैं, तो इनको हमें इसी से बचाना है। अगर ये गीले में रहेंगे तो सड़ने का डर रहता है। इसको प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स हो गए हैं ना, तो इनको सेपरेट करके आप अलग गमले में लगाइए। जैसे कि ये वाली दोनों गमले आप देख रहे हैं, मैंने एक प्लांट से ये इतने सारे बना लिए हैं। मैं लगभग 1.5 साल पहले एक प्लांट लेकर आई थी, क्योंकि ये प्लांट भी काफ़ी महंगा आता है, 150 या 225 रुपए तक का एक आता है। तो ऐसे में बार बार हम प्लांट खरीदना नहीं चाहेंगे, तो हम प्रोपोगेट इनको अलग अलग करके सेपरेट करके कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स को आप गर्मियों में ना करें, बल्कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तभी आप इनको प्रोपोगेट करें, अलग अलग करें, सेपरेट करके आप दूसरे गमलों में लगा लें। और एक दूसरा तरीका जो है इसको प्रोपोगेट करने का, वो है सीड से। ये देखिए मैंने बहुत नाजुक से ये सीड्स होते हैं, मैंने अभी ये इन्हीं प्लांट्स में से पहले कलेक्ट करके रखे थे। ये काफ़ी हल्के होते हैं और हवा से भी बहुत उड़ जाते हैं, तो इनसे भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फ्लावर्स को, ये जो सीड्स को है, ये कलेक्ट करके फटाफट से जर्मिनेशन के लिए डालना होगा। और उसके लिए जो है आप एरेटेड मिट्टी बना के ये जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है इसको मिट्टी के अंदर डालें और हल्का सा एक मिट्टी की लेयर ऊपर कर दें और हल्का सा स्प्रिंकल करें पानी और मिट्टी को मॉइस्ट रखें। लगभग ये देखिए उड़े जा रहे हैं, हवा चल रही है, तो लगभग 3 से 4 हफ्ते में जो है इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप छोटे प्लांट को ही सेपरेट करके ये बनाएं, क्योंकि सीड से जर्मिनेट करने में सक्सेस जो है वो थोड़ा कम होता है। सीड्स जर्मिनेशन के लिए आप टेम्परेचर का भी ध्यान रखें। अगर टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक है तो ये एक आइडियल टेम्परेचर है इनको जर्मिनेट करने के लिए, रखने के लिए। और हाँ, अगर आप इनको ग्राउंड में लगाते हैं तब कम से कम 1.5 फीट की दूरी तो ज़रूर रखें, ताकि इनको जो नए वाले प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए स्पेस मिले। अगर हम बहुत पास में लगा देंगे तो नए प्लांट्स को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जरबेरा का प्लांट हमेशा आपके पास रहेगा। बस आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें, केयर टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट आपके पास हमेशा रहेंगे और भरपूर आपको फ्लावर देंगे और खुशियां देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए अनुभव और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।